जागृत मानव परंपरा में मौलिक अधिकार संपन्न दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में प्रमाणित है, है ना। तो मानव जो है वो दृष्टा कर्ता और भोक्ता के रूप में प्रमाणित है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहली बात इसमें है कि मानव को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है, मानव को जिम्मेदारी दी गई है, मानव को देखने वाला, यहाँ तक कि अनुभव संपन्नता के साथ में मानव को सर्वज्ञ के रूप में भी पहचाना गया है, सब कुछ को समझ सकता है, जान सकता है, है ना। तो उसमें जो ये ईश्वरवाद में जो हर प्रकार से हर चीज की जिम्मेदारी एक प्रकार से ईश्वर पर देती है, ईश्वर ही करने वाला है, ईश्वर ही देखने वाला है और भोगने वाला भी ईश्वर है, तो इसलिए प्रसाद चढ़ाना भगवान को, है ना। तो भोगने वाला भी ईश्वर है, करने वाला भी ईश्वर है, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पे मानव को एक बार फिर से यहाँ पे सेंटर में लाया गया मध्यस्थ दर्शन में, तो मानव को देखने वाले, करने वाले और भोगने वाले के रूप में रखा गया, और देखने का पूर्ण स्वरूप, करने का पूर्ण स्वरूप और भोगने का पूर्ण स्वरूप, इसके बारे में बात की गई। सर्वाधिक देशों में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, देवी देवताओं को स्वीकारने के लिए मानसिकता को अध्यात्मवादी तैयार किए हैं, जिसके लिए सदग्रंथ भी तैयार हुए और सारे धर्मों के मूल में देववाणी, ईश्वरवाणी अथवा आकाशवाणी के रूप में सदग्रंथों में लिखी हुई सदवाक्यों को माना गया। इसी को सदग्रंथ माना गया। ऐसी मान्यता के आधार पर ग्रंथ और ग्रंथ के आधार पर उपदेश विधि, एक मिनट, प्रचलित हुई, ठीक है। तो सभी सभी जो धर्मों के मूल में किसी, ये जो बात कही गई है उसके मूल में किसी देववाणी, ईश्वरवाणी के रूप में कहा गया कि ये ब्रह्मा जी ने लिखा है वेदों को, है ना, या सरस्वती के तारों से बना है, इसी वीणा की ध्वनि से वेद निकले हैं या ज्ञान निकला है, उसका मूल स्वरूप जो है वो ईश्वर से ही आया है, इस प्रकार की बात है। उसी तरीके इससे भी जो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, या उसमें कहीं इस प्रकार से आता ही है कि किसी ईश्वर की प्रेरणा से उन किसी व्यक्ति को मतलब ऐसी प्रेरणा हुई या उसको श्रुति हुई, इस प्रकार से बात को रखा गया है, है ना। और फिर उनको उससे एक सदग्रंथ या तैयार हुए, है ना। जब तो और फिर ग्रंथ के आधार पर उपदेश विधि प्रचलित हुई, है ना, क्योंकि उपदेश मतलब आप उसमें जो ग्रंथ में जो लिखा है वो सही है, उस आधार पर सारी बात को करना शुरू हुआ। तो ऐसे सदग्रंथ जब तैयार हुए, जब मानव एक देश के मानव सभी देश के साथ संबंध करने में समर्थ नहीं रहे, मतलब जिस समय ये आदर्शवादी धर्म और संप्रदाय शुरू हुए, उस समय जो आज के समय की जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो उस समय उतनी नहीं थी, है ना। इसमें पता लगा तो धीरे धीरे जब ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आने शुरू है, तब पता लगा जिन बातों को हम अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वीकारते हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ उसको स्वीकारते नहीं है, है ना। फिर ये ईश्वरवाणी कहाँ है, तो जब ईश्वर से तो ये तो आधार बनता है कि ये तो यूनिवर्सल कोई चीज है, लेकिन जब आप कोई यूनिवर्सल है और फिर आप पाते हो कि एक धर्म में कुछ और कहा है, दूसरे में कुछ और कहा है, तो इसको ईश्वरवाणी है ये या नहीं है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार से धार्मिक मतभेद उलझता ही गया। तो फिर यही कहना बनता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो एक्चुअली काफिर हैं, या फिर वो जो है विधर्मी हैं और उनका नाश होना चाहिए, है ना, या तो इसको स्वीकार करें या फिर वो किसी प्रकार से चले जाएं या मर जाएं, ये इस प्रकार की बातें हम हर धर्म के अंदर किसी प्रकार से देखने को सुनते ही हैं। तो कहीं ना कहीं सभी धर्मों के मूल में सार्वभौमिकता का बीज रहता ही है, वो मानते ही हैं हमारी बात जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो सहज रूप में सबको यह स्वीकार होता है कि धर्म ग्रंथ होना चाहिए, है ना, और साथ में ये धर्मग्रंथ होना चाहिए, साथ में यह भी मानसिकता में स्वयंसूर्त कल्पना आती है कि धर्म में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यदि विवाद होता है तो धर्म ही क्या हुआ। इस प्रकार से तर्क बुद्धि से सोचने वाले मानव भी इस धरती पर है ही, है ना।
तो ये सामान्य बात हुई। इसके बावजूद निर्विवाद धर्म ग्रंथ क्या होना चाहिए यह हमें आदर्शवादी विधि से उपलब्ध नहीं हुआ, है ना। और निर्विवाद धर्म ग्रंथ क्या होना चाहिए ये हमको आदर्शवादी विधि से उपलब्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने धर्म को बड़ा करके बताते ही रहे, जो जिस संप्रदाय में पैदा हुआ या जिसको मानने की जगह में आया वो मैं मेरे बुक में जो लिखा है वो सही है, बाकी में जो लिखा है वो गलत है, इस जगह में खड़े रहे। भौतिकवादी जो है उनके लिए धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से हम साधारण मानव प्रताड़ित होते ही रहे, वह अंतर विरोध से भी बाह्य संसार के विरोधों में द्रोह विद्रोह से शोषण और युद्ध भय से पीड़ित होते ही रहे। इन सब के मूल में ईश्वर कृपा देव कृपा को ही मानते आए, किसी भी क्षण में हमें किसी भी मुद्दे पर राहत मिली प्रसन्नता मिली उसे ईश्वर देवता या गुरु कृपा माना, है ना। तो किसी भी जगह अपने को कुछ अच्छा हो गया, घर बन गया या फिर कुछ है ना कुछ हमारा काम बन गया, तो हमने सोचा कि ईश्वर की कृपा हो गई, भगवान की दया है, इस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए, है ना, या फिर कृतज्ञता होने से मुकर गए। जहां हमने बेसिकली मानव को छोड़ के किसी और को अपन ने दे दिया, है ना, तो उसको ईश्वर देवता गुरु कृपा माना, मानव संबंध को वहां पर नकार दिया। इस प्रकार से सामान्य मानव हर्ष विषाद को झेलते रहे, स्वयं में विश्वास न तो सामान्य कहलाने वाले न विशेष कहलाने वाले के पास रहा, जबकि हर मानव में विश्वास के आधार पर ही राहत पाने की बात पहचानने में आती रही है। अभी भी वैसा ही है, जिन परस्परताओं में हम विश्वास कर पाते हैं उसी में हम राहत पाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है कि जिन परस्परताओं में हम विश्वास कर पाते हैं उसी में हम राहत पाते हैं। हम अपने आप में इस बात को देख ही सकते हैं, जहां हम परेशान होते हैं या हमको लगता है कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तब हम उसी जगह पर जाते हैं, उसी व्यक्ति के पास में संपर्क करते हैं जहां पर हमको लगता है कि वो हमारे को हम पर विश्वास करेगा, हमारे होने को स्वीकारेगा, हमको सुनेगा, हमारी बात को बताएगा, कुछ कहेगा जिससे हमको आगे का जो मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ उसको मैं सोच पाऊंगा, इस प्रकार की बात का बात बनता है। ये भले ही क्षण दिन वर्ष क्यों ना हो, इसे ही हम ईश्वर देवता गुरु कृपा मानकर स्वयं को भुलावा देने का कार्य सदा सदा करते रहते हैं। जबकि मानव अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश ही इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। तो अभी विश्वास का आधार पर राहत पाने की बात जो है वो अभी है ना, ईश्वर को ईश्वर पर विश्वास करके वहां पर राहत पाने का प्रयास किया है ना, तो वहां पे भले ही कुछ भी कुछ क्षण के लिए ही हो, कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिन के लिए हो, और वहां से कुछ मिल जाता है तो कुछ हमारे हम कोई संतान चाहते थे, संतान हो गया तो उसको ईश्वर कृपा मान लिया, है ना, इस प्रकार से, या फिर कुछ हमारे साथ बुरा हो गया तो ये मान लिया कि हमने कुछ गलत किया होगा, भगवान हमसे रूठ गए, इस प्रकार से हर चीज को हमने ईश्वर से जोड़ के बात करना शुरू करा। जबकि मानव अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश ही इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है, है ना। यहाँ देखिए मानव को कितना सेंटर में लाके रख दिया है, है ना, दर्शन में मानव अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश ही इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। कोई भी चीजें जो हो रही हैं, बन रही हैं, वो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश ही बन रही हैं, वो किसी ईश्वर कृपा गुरु कृपा इस प्रकार से नहीं हो रहा है कि किसी ऐसे विधि से हमारे पास में चीजें मिल जा रही हैं। आदमी करता है तो उससे चीजें बनती हैं और नियति विधि से उसको मिलता है। ये स्वयं मानव का उपज नहीं है तो किसका उपज है, चाहे हम इसको समझें या नहीं समझें, सोचा जाना एक आवश्यक मुद्दा है, है ना। तो ये सब जो हमने बनाया है कि हम अपने आप को जो भुलावा देकर चल रहे हैं, क्या ये आदमी का उपज नहीं है, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, तो किसने ये इसको उपजाया है, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि आदमी जो राहत ढूंढता रहा ईश्वर का एकवादी के ईश्वर केंद्रित चिंतन के आधार पर, उसके आधार उससे शिफ्ट होकर मानव का स्वयं में विश्वास होने की बात की जगह में आने का
यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। तो उसके लिए कहीं अपने महत्व को पहचानना और उसके लिए आवश्यक ज्ञान का अर्जन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। जब मानव अपने महत्व को पहचान पाता है, तभी ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट जिसको हम बात कर रहे हैं ईश्वर केंद्रित चिंतन से मानव केंद्रित चिंतन में शिफ्ट होने का, वो संभव हो पाएगा। जब मानव अपने आप में विश्वास कर पाएगा, अपने ज्ञान में विश्वास कर पाएगा, अपने विवेक पर विश्वास कर पाएगा, अपने विज्ञान पर विश्वास कर पाएगा और उसके फल परिणामों से भी आश्वस्त होगा। ये एक बेसिक शिफ्ट है जिसमें जिसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। इसमें ये इसके बारे में हम लोगों को सभी को सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम इस साहस को करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो इसी के साथ मनः स्वस्थता को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में समाधान है। ध्यान देने का मुद्दा यहाँ यही है कि जो कुछ भी हमारे सम्मुख प्रतिबिंबित है उसके मूल में कोई कर्तापद है कि नहीं, करने वाला है कि नहीं, है ना। यहाँ पे ये एक जगह बेसिकली ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हमारे देखने में आ रहा है इसको कर कौन रहा है, ये पूछा जा रहा है, कर्ता कौन है। कुछ चीजों तो ये पता लगता है कि कुछ चीजें क्रियाएं हैं और कोई चीज कर्ता है, है ना। कर्ता पद में कौन है इस बारे में पूछ रहे हैं। तो ईश्वर क्या कर्ता पद में है या नहीं है, इस वाले बात में एक कटघरे में लाने की बात है। विचार के रूप में, विचार में ही हम पहले स्पष्ट हो जाएं क्या ईश्वर करता है या मानव करता है, है ना। अगर इसके मूल में कोई कर्ता नहीं है तो विश्व कर्ता पद का आरोप गलत हो गया। या तो ऐसे कहें कि कोई कर्ता नहीं है तो सारे विश्व को बनाने वाले का भी आरोप गलत हो गया। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता पद कैसे होगा, यदि ऐसा नहीं है तो दृष्टा पद का क्या हुआ। तो ये सारी चीजें कन्फ्यूजन में हो जाती है, एक के बाद एक प्रश्न उदय होता रहता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आदर्शवादी विधि से नहीं मिल पाता है, है ना। जब ये जो आध्यात्मवादी विधि से या अधिदैवीवादी विधि से, वो सब चीजें जो हैं वो कन्फ्यूजन या और रहस्य के अंदर ही जाकर मिटती हैं, उससे कोई व्यवहारिक उत्तर नहीं निकल के आता है। जबकि जहाँ पे जो हमने कर्ता, दृष्टा, दृश्य, दर्शन की बहुत सरल और सहज परिभाषाएं हमने देखी, जिसमें ऐसा लगा कि हाँ इसको पढ़ने से ये ठीक लगता है, देखने वाला जीवन है, है ना। दृश्य जो है वो सहजते तो है और दृश्य के साथ में जो क्रियाकलाप है वो दर्शन है। जबकि आदर्शवादी विधि में कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जबकि ब्रह्म ही दर्शा है, ब्रह्म ही दृश्य है, ब्रह्म ही दर्शन है, है ना। और इसमें उसका कुछ प्रमाण मिल नहीं रहा है, है ना। और उसके लिए बहुत सारी भाषा है और बहुत सारे उसके अभ्यास की विधियां उसके समर्थन में है। उससे कुछ मिलता भी होगा लेकिन एक जिस प्रमाण की यहाँ पर बात की जा रही है वो नहीं मिलता है, ये तो हमारे को बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। सहस्तित्ववादी से जब हम सोचने विचारने लगे, निर्णयों को पहचानने लगे, तब पता लगा जो कुछ भी सहस्तित्व में चारों अवस्था के रूप में कार्य कर रहा है वह सब स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में है ही, है ना। वो सब क्रिया के रूप में है और कर्ता पद में जो है वो मानव आता है। कारण क्रिया में स्वयं श्रम गति परिणाम के रूप में विकास क्रम के अर्थ में कार्य करता हुआ स्पष्ट है। इसी क्रम में परिणाम का अमृत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य के रूप में जागृति को पहचाना गया। परिणाम का अमृत्व पद विकास के अर्थ में, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य जागृति और जागृति पूर्णता के रूप में पहचानना संभव हुआ। तो अब ये सब ये देखा कि अस्तित्व प्रयोजनशील है और उस प्रयोजनशीलता के अर्थ में ना परिणाम का अमृत्व यानी कि गठन पूर्णता को, और श्रम का विश्राम यानी क्रिया पूर्णता यानी समझ में आ जाना, और गति का गंतव्य मतलब समझ में आने के बाद उस समझ को प्रमाणित करने का स्वरूप, ये जो है वो गति का गंतव्य, उसको जागृति पूर्णता भी कहा। इस प्रकार मानव स्वयं जागृति पद का ज्ञाता, उद्गाता अथवा प्रमाणित करने योग्य इकाई है, यह समझ में आता है। उक्त सभी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सहस्तित्व में अर्थात व्यापक वस्तु में, संपूर्ण एक एक वस्तु में संपृक्त रहने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता वश स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशील होना, इसके लिए कोई कराने वाले का जरूरत न होना पाया गया, है ना। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी रचनाएं अपने आप में क्रियाशील रहना देखने को मिला। ऐसी क्रियाशीलता ही श्रम गति परिणाम के रूप में, यही विकास क्रम में
परिणाम का अमरत्व विकास पद से ख्यात होना समझ में आया, है ना। विकास से आशय यहाँ पे गठन पूर्णता है ना। परिणाम का अमृत मतलब जीवन, इसकी गवाही गठन पूर्ण परमाणु पद ही है, चैतन्य पद ही है। विकास क्रम में कर्ता पद स्पष्ट था, चैतन्य पद में जागृति क्रम में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव संसार और भ्रमित मानव परंपरा में जीने की आशा विचार और इच्छा स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो जीव संसार में जीने की आशा स्पष्ट हुई और भ्रमित मानव में उसके साथ विचार और इच्छा भी स्पष्ट हो गई। जीने की आशा को स्पष्ट करते हुए चाहना न चाहना प्रमाणित हो गया। इसी के साथ चाहत के रूप में जीने की चाहत के साथ सुखी होने की चाहत मानव से शुरू हुई, है ना। तो मानव के साथ में सुखी होने की चाहत भी प्रकाशित होने लगी। इसके लिए मनाकार को साकार करना संभव हो गया, मतलब कोई भी अपने को आइडिया आए उसको मेटीरियलाइज करना, ये चीज मानव से बन गया, है ना। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सुखी होने की मानसिकता खुद की इच्छा के रूप में मानव में प्रकट हुई। उसके आधार पर पहले से कर्ता पद रहा, भोक्ता पद की अपेक्षा रही। तो कर्ता पद तो क्योंकि क्रियाशील है, अस्तित्व में है, क्रियाशील है, तो कर्ता पद या क्रिया तो पहले से ही है। अब ये भोक्ता पद की अपेक्षा हुई, यानी सुख का भोक्ता पद का उसकी अपेक्षा उसमें हुई, तो सुख भोगने की अपेक्षा हुई। और इसके लिए अब सुख भोगने की अपेक्षा के लिए दृष्टा पद का उदय होना संभावी हो अवश्यम भावी हो गया, है ना। यानी अब उसके लिए समझने की आवश्यकता जो है वो आवश्यक हो गई। ऐसा दृष्टा पद प्रतिष्ठा का प्रमाण ही है समझदारी, समझदारी ही दृष्टा पद ज्ञान तत्व के साथ में ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठा संपन्न होना पाया गया, है ना। तो ये जब सफल हो गया, इसके साथ में एक लीप ले लिया, फिर उसके बाद कहा कि ज्ञान तत्व के साथ में ज्ञाता के रूप में आदमी स्थापित हो गया। इस विधि से दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को मानव ही प्रमाणित करता है, मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही वैभवित होना वैभवित रहना पाया जाता है। चैतन्य इकाई की महिमा दृष्टा ज्ञाता पद संपन्नता को प्राप्त कर लेना ही है। फलस्वरूप प्रमाणित करने के अर्थ में मानव परंपरा में प्रमाणित करता हुआ कर्ता भोक्ता पद में मानव वैभवित होना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया भौतिक रासायनिक संसार स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में है ना, चैतन्य पद जीवन अपने जागृति संपन्नता सहित दृष्टा और ज्ञाता रूप में होना पाया गया। ठीक है, तो दृष्टा और ज्ञाता रूप में कर्ता पद का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता विधि से जीवन आकांक्षा और मानव आकांक्षा को प्रमाणित करने का सौभाग्य उदय होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने इसको अपन देखेंगे, भौतिक रासायनिक संसार स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशीलता के रूप में कर्ता पद है। अब फिर चैतन्य पद में है ना, चैतन्य पद में जीवन अपने जागृति संपन्नता सहित दृष्टा और ज्ञाता रूप में पाया गया। अब दृष्टा और ज्ञाता के रूप में जब जीवन हो गया, तब अपने जो कर्ता पद यानी शरीर के साथ में कर्ता पद का उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता विधि से है ना, अब इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है और प्रयोजनशील बनाना है। उस विधि से जीवन की आकांक्षा यानी कि सुख शांति संतोष आनंद और मानव आकांक्षा जो उसके साथ में संबद्ध है समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व, इसको प्रमाणित करने का सौभाग्य उदय होता है। इसके विपरीत भ्रमित रहने से समस्याओं से क्लेशित होना यानी दुखी होना या कॉन्फ्लिक्ट में होना होता है। जहां तक भौतिक रासायनिक संसार है, ये विकास क्रम में यथास्थिति में परिणामशीलता के आधार पर स्पष्ट हुई है, है ना। तो भौतिक रासायनिक संसार तो विकास क्रम में एक परिणाम के द्वारा ही स्पष्ट हुई है, मतलब अपने आप से चेंज के रूप में ये परिस्थिति के अनुसार प्रकट हुई है। उसमें कोई आदमी ने, उसमें कोई डूअरशिप नहीं है, मतलब किसी ने सोच करके किया है, ऐसा नहीं हुआ है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से हुआ है। इस प्रकार कर्ता पद के साथ भोक्ता पद बना ही है, क्योंकि परिणाम का रूप अनेक यथास्थिति में दिखाई पड़ता है। देखने का मतलब समझना ही है, समझना संपूर्ण वैभव महिमा जीवन में होना पाया जाता है।
इस प्रकार चैतन्य संसार में दृष्टा पद प्रतिष्ठा जुड़ गई। ठीक है, तो चैतन्य संसार में दृष्टा पद प्रतिष्ठा की जुड़ गई। और फिर ये जागृति के मतलब मिनिमम देखने की चीज तो जीवन से ही शुरू हो, जीव संसार से ही शुरू हो गई, पर ये जो मूल्यांकन करने की जो बात है वो वाली बात कोई मानव से शुरू, और पूर्ण मूल्यांकन की बात जो है वो जागृति के स्वरूप में अनुभव संपन्नता के साथ में दृष्टा पद प्रतिष्ठा पूरी हुई। यही मुख्य मुद्दा है। ऐसे संपूर्ण रासायनिक भौतिक क्रिया में जीव संसार में भ्रमित मानव में कर्ता भोक्ता होने का गवाही सदा सदा बना ही है। इसलिए मानव कर्ता और दृष्टा पद पूर्वक ही सार्थक सुफल होने की, सुफल मतलब अच्छा फल होने की व्यवस्था है, भ्रमित अवस्था में नहीं है। तो मानव के लिए जो है कर्ता और भोक्ता के साथ में दृष्टा होने की भी आवश्यकता है, और दृष्टा होने के लिए दर्शन होने की आवश्यकता है ना। तो दृश्य का दर्शन होता है तो फिर उसके बाद में वो दृष्टा पद का फिर प्रमाण बनता है कर्ता और भोक्ता के साथ में। तो अस्तु, दृष्टा पद जागृत परंपरा की ही महिमा होना स्वाभाविक है। इसके लिए मानव परंपरा को बनाए रखना हम सब मानव के लिए सर्वशुभकारी सूत्र है और व्याख्या है। नित्यं यातु शुभोदयम्।